वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी तुहाडे लई दस्तार दा ट्यूटोरियल लैके आए। मिरर व्यू दे विच आपां मोनी दस्तार सजाउणी है, ते तुहानूं खुद बंदे हो जिवें शीशे दे विच उंझ ही दस्तार दिखेगी शीशे दे विच। ते हुण मेरे वीरो, इहो जिहियां होर वीडियो लई तुसीं साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो तां जो तुहाडे तक नवीं वीडियो साडीआं पहुंचदीआं रहिण। ते इह बड़ी खास फरमाइश ते मैं वीडियो लैके आ रहा, डॉक्टर साहब ने कहा सी मैनूं, ते उहनां दी स्पैशल फरमाइश आई सी। तो हुण आपां गल करदे हां जी स्टार्टिंग तो दस्तार की। जिवें तुसीं देख सकते हो कि सेंटर के जोड़ा साहब करके असीं कंघा साहब रख के पटका बन रहे हैं, तो पिछे दो कट्ठा मार के असीं हर हिस्से तो केसां नूं चंगी तरह अंदर कर लवांगे। ठीक है, जिवें तुसीं वीडियो के विच देख रहे हो इस तरीके नाल तुसीं करना। नॉर्मल सिंपल सोबर बेस सजाउणा असीं मोहनी दस्तार के लिए, कोई एक्सट्रा कपड़ा यूज़ नहीं करना। सिंपल दस्तार बननी है तो 1 मीटर का बेस, 1 मीटर नहीं सॉरी 80 सेंटीमीटर, 1 मीटर कह दें बट 80 सेंटीमीटर ही होंदा है। तो दोनों पले बराबर करके इस तरीके ना असी पहले पेज नूं घुमा लेना उपरों, बाकी बस इसे नूं असी अख दे उपरों लगा लेना है। ये असी अख दे उपरों इस लिए लगाने हैं तां जो अपना जिहड़ा पहला पेज है अख दे उत्ते जिहड़ा असी दस्तार दा लगाने हुंदे आ उह खिसके ना, तो ना ही यह डोंग पैण दिंदा अपने पेचां दे विच लेफ्ट साइड ते। बाकी बस इसे नूं असी इस तरीके नाल अंदर लगा देवांगे। तो फिर असी अपनी 50 सजा लवेंगे मैचिंग के अनुसार, जिहड़ी तुहानूं पसंद है तुसीं उह 50 लगा सकते हो। इस दे विच इक्को ही गठ मार के बाकी दोनों पल्लियां नूं असी अंदर लगा देना है। देखो ज़्यादा गठा नहीं करनी है पिछे, नहीं तो तुहानूं तंग करनगियां बाद दे विच इह। तो पहला पल्ला असी इस तरीके नाल मूँह दे विच पकड़ के दस्तार का फड़ लेना है। जिहड़ी अपनी दस्तार है जी, अज तुहानूं दस दिंदे हां अपनी दस्तार 8 मीटर की दस्तार है, रूबिया वेल कैमिकल कपड़ा है। तो कलर तुसीं देख सकते हो तोतिया कलर है, पैरट कलर कह लो जिहनूं तुसीं। पहला तो एक बार पहले पल्ले अंदर फोल्ड किया है खोल के, तो फिर दोबारा अंदर फोल्ड किया है, तो फिर लैफ्ट साइड तो बाकी हिस्से असीं अंदर फोल्ड कर देना है लैफ्ट साइड वाले भी। तुहानूं दोनों साइड्स तो देख रहे हैं, फ्रंट तो भी देख रहे हैं तो बैक तो भी देख रहे हैं। हुण तुहानूं चंगी तरह पता लग जाएगा कि पहला पेज लगता किवें आ। तो हुण जिथे सज्जी अख का भरवट्टा शुरू होंदा सी उस चीज़ नूं सेंटर बना के असी पहला पल्ला लगा लेना है। ठीक है, इस जगह पर तो पहला पल्ला लगा के असी चंगी तरह खिंच के लगाना, अद्धी अख ढक के अद्धी गल प्लस उपरों जी अद्धा कन्न छड़ के इस तरीके नाल पल्ले नूं घुमा लेना है। घुमा के जिहड़ा हिस्सा उपरली साइड ते उहनूं उपरली साइड ते ही रखना है, दोनों पल्ले बराबर कर लेने ने चंगी तरह पकड़ के। पिछों जी चुंडी पार के जिवें तुहानूं सामने दिख रहा है इस तरह पल्ले नूं लगाना है। मोहनी दस्तार की शेप दे विच सजाना, इसलिए पहला पल्ला ज़्यादा उपर नहीं लगाना असी, दोनों पल्ले बराबर करके चंगी तरह पेज नूं सही जगह पर लगाते हुए असी एक बारी पिंच करना है। जिवें तुहानूं वीडियो दे विच दिखाया जा रहा है एक बारी पिंच करके पल्ले नूं पकड़ लेना है, नीचे नहीं आण देना। फिर असी इस पल्ले नूं खोल लेना है, खोल के असी दोबारा पिंच करके इहनूं साफ करके रख देना है। पूरी डिटेल के स्टैप बाय स्टैप तुहानूं इस दस्तार का ट्यूटोरियल दिता जाएगा मिरर व्यू के। वीडियो वधिया लगे तो लाइक तो शेयर करना बनता मेरे दोस्तों, तुहाडे लई नवीं वीडियो असी लैके आउंदे रहांगे। तो इस तरीके पल्ले नूं खोल लेना है, इस पल्ले नूं भी खोलना असी देखो लैफ्ट साइड के उत्ते 4 पल्ले दिखावांगे, 5 पल्ले नहीं दिखावांगे। क्योंकि गल इदां, क्योंकि मैं नहीं चाहता सी कि मैं इस वीडियो लई ज़्यादा टाइम लवां, तो तुहानूं 5 पल्ले तो आंदे ही कटने। ठीक है, क्योंकि मैं अपनी वीडियो के दस्या हो अज मिरर व्यू च लिया का यह मेरा मकसद है कि मैं तुहानूं सामणों ते लैफ्ट साइड तो दोनों चीज़ां कट्ठियां दिखा सकां। तो अगे तो कोशिश करांगे हर एक दस्तार का ट्यूटोरियल इस व्यू दे विच भी पाया जाए। तो सारी दस्तार दे विच जिवें असी दोनों पल्ले बराबर करके पल्ले लगाने उस तरीके इस पल्ले नूं भी लगाया सी, पहले पल्ले दे नाल बराबर करांगे पिछले हिस्से तक बराबर मोटाई दे विच लैके आवांगे। दोनों पल्ले बराबर रखने आ उपले हिस्से तो, एक बारी पिंच करांगे पल्लियां नूं, तो फिर इन्हां नूं नीचों जी खिंच के साफ करांगे, चंगी तरह खोल लेना है पल्ले नूं। खोल के हुण असी जिन्ना चार पल्ले दिखाने ना उन्ना कु उपर नूं खोल लेना इहनूं पल्ले नूं, बाकी निचले हिस्से तो एक बारी फिर पिंच करके साफ कर लेना है। तो फिर इस पल्ले नूं खोल लेना है जिन्ना कु सानूं लोड़ मुताबिक चाहिए उपले हिस्से तो 4 पल्ले दिखाने लई, क्योंकि सब तो अंदरला 4था पल्ला यही होएगा। पिछे तक इस पल्ले नूं लगा लेना है। तो एक गल का ध्यान रखियो कि उपरले हिस्से तो भी दस्तार नूं पिंच करियो तां जो अपनी दस्तार है जिहड़ी मूँह नूं जावे, दस्तार की चुंझ है जिहड़ी मूँह नूं आवे। ठीक है, इन्हां दोनों साइड तों अपनी दस्तार बराबर लगती हुंदी है। पिछले हिस्से तो पिंच करके इस तरह पल्ले नूं लगा लेना है। हुण असी अगला पल्ला लगावांगे, इहदे विच भी असी दोनों पल्ले बराबर कर लेने ने, पिछले हिस्से तो चुंडी भर के बाकी पल्लियां दे बराबर लगावांगे। इस पल्ले नूं भी कन्न दे उपरों खिच के लगावांगे इस पल्ले नूं, तां जो अपना कन्न थोड़ा जिहा दब्बिया जावे। इन अपनी दस्तार दे विचों कन्न जिहड़ा हुंदा उह कदी बाहर नहीं झाकदा दस्तार कंप्लीट होने तों बाद चों। ते इस पल्ले नूं भी बाकी पल्लियां वांग बराबर मोटाई दे विच रखांगे। ते हुण असीं एक वारी इस पल्ले नूं भी पिंच करांगे। बस एक गल दा ध्यान रखियो कि हुण असीं इहदे विच सिलाई नहीं आण देणी, पल्ले नूं खिच्चांगे बट सिलाई नूं उपर चक के निचले हिस्से तों पल्ले नूं पिंच कर देना है।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਸਿਲਾਈ ਨੂੰ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਇਸ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਪਿੰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿੰਚ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਏਗੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਬਣੇਗੀ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਾਰ ਪੱਲੇ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਪੇਚਾਂ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ 6 ਪੇਚਾਂ ਵਾਲੀ, ਭਾਵੇਂ 8 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ 7, ਭਾਵੇਂ 6, ਭਾਵੇਂ 5, ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਅਜਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਥਡ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੋਈ ਵਿਊ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੋਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਮੋਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੁੰਡੀ ਭਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਪੱਲੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਮੋਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਾਕੀ ਪੱਲਿਆਂ ਵਾਂਗ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡੋਂਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੋਂ ਮੋਟਾ ਪਤਲਾ ਪੇਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਿੰਚ ਦੋਨੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਮਿਰਰ ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ, ਇਹ ਮੋਰਨੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪਿੰਚ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦਸਤਾਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਮੂਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਪੇਚ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਪੇਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਪੇਚ ਵਾਲੀ ਸਪੇਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸਪੇਸ ਨਾਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਫੇਰਨੀ ਅਸੀਂ, ਸਿਲਾਈ ਫੇਰਨ ਨਾਲ ਪੇਚ ਵਾਲੀ ਸਪੇਸ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੰਡੀ ਭਰ ਕੇ ਪੇਚ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੱਲੇ ਮੂਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਨੋਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੈੱਟ ਕਰਨ 'ਚ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਾਈ ਨਾਲ ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਪੇਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਪੱਲਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਟੁੰਡੀ ਭੰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਏ ਕੱਪੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਡੋਂਗ ਪੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਪੇਚ ਵੀ ਮੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਾਕੀ ਪੇਚਾਂ ਵਾਂਗ, ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੜ ਹੁੰਦਾ ਪਤਲਾ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੜ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਲਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਬਟ ਇਸ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਪੇਚ ਲਗਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਲਗਭਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸੂਤ ਇਕੱਲਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਪੇਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿੰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਪਿੰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੇਚ ਨੂੰ ਪੇਚ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਿਲਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਬਣੇ, ਅਤੇ ਆਹ ਪੇਚ ਉੱਪਰੋਂ ਜੀ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮੋਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਚ ਹੈ ਕਿਤੇ ਡੁੰਗ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੇਜ। ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੀਚੋਂ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੱਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੁੱਪੀ ਵਾਲਾ ਪੱਲਾ ਲਗਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਜਮਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਿਊ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਪੇਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੇਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੇਚ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪੇਚ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਓਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਣੇ 4 ਪੇਚ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ 5 ਪੇਚ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਲਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੜ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਲੜ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜ ਦੂਜੇ ਲੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਲਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੂਹਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਬਰਾਬਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਮੋਟਾਈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੇਚਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਪੇਚ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ,
देखो जिहड़ा लड़ मूहरों निकलता उन्होंने पिछे तक चंगी तरह साफ कर लेना सी, भावें कोई भी पेज होवे, किसी भी पेज के विच घट वध स्पेस नहीं होनी चाहिए, जे तुहानू लगता तो वह हुणे ही सैट कर लियो। जे तुहाडा पेज घट वध होया ना मोटा पतला तो चंगा नहीं लगता देखण दे विच, ते जे इहनां नूं तुसीं 3D करन की कोशिश करते हो, पतले वाला लड़ 3D नहीं हुंदा ज़्यादा, मोटे वाला लड़ ज़्यादा 3D हो जाता। देखो मोटा करन दा वी तरीका है, पेज नूं थोड़ा थले खिंचो, अंदर नूं फोल्ड करके सिलाई फेर दो, उह नाल अपना पेज जिहड़ा मोटा बहुत हो जाता है। तो वीरो ये है जी मोहनी दस्तार अपनी 8 मीटर की, तो यदा मिरर व्यू का ट्यूटोरियल तुहानूं देता होया मैं, तो बाकी मेरे वीरो वीडियो वधिया लगी तो तुसीं पता की करना है, तुसीं वीडियो नूं शेयर करना है, अपने होर दोस्तों तक पहुँचाओ तां जो वह भी साडी वीडियो देख के दस्तार सीख सकन। तो एक गल होर, जिहड़े मेरे वीर पौनी की वीडियो देखना चाहते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दांगा, पौनी नॉर्मल है जिवें असीं सारियां दस्तारां लई करदे हां, ठीक है। तो हुण मेरे वीरों देखो तुसीं जिवें देख रहे हो वीडियो दे विच, असीं हर किसे तो दूजे शीशे नहीं मरना दस्तार की सफाई की है, तो लैफ्ट साइड तो की है, हुण आपां उपले हिस्से तो करांगे, सामने वाले शीशे तो तुसीं देख सकते हो लैफ्ट साइड तो भी। बाकी मेरी ज़्यादातर वीडियोज़ दे विच तुसीं देखिया होना कि मैं उपले हिस्से तो किवें दिखा के सफाई करता हुंना, लैफ्ट साइड तो भी करना तो राइट साइड तो भी इंज ही करना है तुसीं। बाकी ये तुहाडी प्रैक्टिस है, जिन्नी प्रैक्टिस करोगे तुहानूं ये चीज़ करनी सौखी लगेगी, पहला तुहानूं ये चीज़ करनी औखी लगेगी जो दूजा शीशा फड़ांगे, क्योंकि शीशे देख के सानूं ये लगता कि आपां राइट साइड नूं सिलाई फेरनी, पर फेरनी आपां लैफ्ट साइड नूं हुंदी है, इदां हुंदा है, इहदे सानूं इनवर्स देखना मतलब कि पुट्ठा दिखदा हुंदा है शीशे राहीं, जो सामने शीशे देखते हैं फिर सानूं सिलाई फेरन दा तरीका नहीं आता, तो जो तुहानूं आदत पै जाए फिर तुहानूं समझ आ जाएगी ये चीज़ किवें करनी है। तो हुण कलगी पेच लगाने लई पहलां उस तो पहलां दो पल्ले नीचे खिंच लैणे ने असीं अख तों, जिहदे उत्ते कलगी पेच आराम नाल टिक सके। तो हुण मेरे वीरो असीं कलगी पेच नूं खोल लैणा, खोल के हुण दोनों साइड्स तों बराबर अंदर नूं करांगे, पर मोटा हिस्सा कंध तों उपर रखना है जिवें मैं हाथ दे विच पकड़ लिया, दोनों पल्ले उत्थे ही इकट्ठे होने चाहिए ने। तो हुण असीं उपले हिस्से तों जिन्ना चाहिए है उन्ना पेच पकड़ के बाकी वाले नूं अंदर फोल्ड कर देना है, कलगी वाले पेच नूं पिछे तरह चंगी तरह खोल जाना है, तो जिन्ना क लोड़ आ नीचो जी बाकी पेज नूं अंदर नूं फोल्ड कर देना, हाथ नहीं मलना, सारा ढीला मठा कपड़ा पिछे कर देना, असी कलगी वाले पेज नूं थोड़ा खिंच के रखना है ता जो जिन्ना क लोड़ आ उन्ना के ही खोलिए, आप ढीला नहीं रखना, ठीक है मेरे वीरों। सारिया चीज़ें बड़ी डिटेल में दसिया जा रही है तुहानूं, ते हुण आपां की करना इहनूं हाथ दे विच पकड़ लेना, तो उस तो पहलां असी की करना है जिहड़ा धागे वाला हिस्सा उहनूं अंदर फोल्ड कर देना पहलां ही, तां जो जो असी कलगी घुमाइए तो कलगी घुमाण तो बाद बाहर ना दिखे, ओके मेरे वीरों। तो हुण असी एक्स बना के कलगी का पकड़ लेना है, फिर असी सिलाई की मदद सेंटर से कलगी बना लेनी है, उस तो पहले सिलाई ने जो तुहानूं ढिले मठे वट लगते हुण कलगी वाले पेज के उपर तो तुसीं उन्हां नूं हुणे सैट कर लियो, तो फिर आपां पेन की मदद नाल कलगी नूं टका लवांगे, एक पेन लगावांगे इह नक की सीध के हिसाब नाल सेंटर च, थोड़ी जी नीचे नूं प्लस लैफ्ट साइड नूं टेढ़ी पिन लगा के कलगी नूं चंगी तरह घुमा के जिन्नी क लोड़ आ उन्नी क खोल लैना कलगी नूं, बाकी बस दे हिस्से नूं आपां दस्तार दे अंदर लगा देना है। उपरले हिस्से ते भी तुसीं दो पिनां लगा सकते हो मेरे वीरों, इहना अपना कलगी वाला पेज उपरले हिस्से तों बाहर नहीं आउंदा ते नाले अख दे उत्ते टिकिया भी रहिंदा ते कदे ढिल्ला भी नहीं होएगा, बाकी कपड़े नूं असीं अंदर कर देना है। तो हुण असीं तुहानूं मेरे वीरों उपले हिस्से नूं कंप्लीट करके दिखावांगे। तो हुण मेरे वीरों जे तुहानूं दस्तार वधिया लगी तो चलदी चलदी वीडियो नूं शेयर कर दिओ, तो लाइक तो तुसीं कर ही दिंदे हो वीडियो नूं, तो जे तुहानूं कोई कमी पेशी लगी तो उहनूं तुसीं हुणे सैट कर सकदे हो। कलगी वाले कलगी नूं वी जे तुहानूं लगे कि ज़्यादा चौड़ी करनी है तो तुसीं अपने मुताबिक उहनूं वी सैट कर लिओ। तो हुण तुहानूं असीं भी उपले हिस्से नूं कंप्लीट करके दिखावांगे, पिछों जी कपड़ा पकड़ के उपले हिस्से नूं खिंच लैणा, फिर जिहड़ा हिस्सा जिस साइड ते आ उहनूं उस साइड ते ही खोलना है। हुण मोहनी दस्तार है, इहदे विच तुसीं उपरले हिस्से नूं डबल कवर कर सकदे हो, ठीक है, दोनों खुले हिस्से एक साइड तो पढ़ लो ते बंद हिस्सा इस साइड ते बराबर खोल के, फिर सज्जे हाथ तों कपड़ा चक के खब्बे हाथ नाल अंदर कर दो, खब्बे हाथ नाल कपड़ा चक के सज्जी साइड नूं अंदर कर दो, इस तरीके नाल तुसीं कर लेना। सामने शीशे तुहानूं पूरा चंगी तरह दिख रहा होना इस टाइम, बाकी जे तुहानूं लगे कि उपरला हिस्सा कंप्लीट करदे होए तुहाडे कोई कमी पेशी रह गई होवे तां तुसीं दूजे शीशे नाल हुणी देख के दूर कर सकदे हो, पिछों ही लुपी वाला पल्ला खिंच के एक बार चंगी तरह खिंच लेंगे, इहना उपरला हिस्सा चंगी तरह प्लेन हो जाता है। तो हुण असीं दूजे शीशे नाल उपर देखांगे जे कोई कमी पेशी रह गई होवे, लाड़ा ढिला हो गया होवे
उपले हिस्से कंप्लीट करते हुए तो तुम उन्होंने हुने सैट कर लियो। तो हुण असीं पिछे लुपी वाला पल्ला लगावांगे तो कलगी वाले पेज में चंगी तरह खोल के अंदर तक पिछे जिथे कॉर्नर बनता हों उत्थे तक खोल लेना असी। फिर लुपी वाले पल्ले दोनों साइड्स अंदर बराबर फोल्ड करके पहला जिधर कलगी वाले पेज वाले पास्यों उपर चकना है, कलगी वाले पेज में चंगी तरह अंदर ले जाते हुए थोड़ा खिंच के इन्ना कलगी वाला पेज अपना होल्ड टाइट हो जाता तो ढिला नहीं होएगा, दस्तार बनी है जब तक तुम दोनों साइड्स तो पल्ला चक के एंड सीधा उपर नू कर लेना है, उपरों कोर्नर तो पकड़ के फिर इन सेंटर दे विच लगा देना है। तो बाकी मेरे वीरो जे तुहानू लगे कि पिछला लुपी वाला पल्ला ढिला तो सलाइना तुम काफ़ी अंदर तक खिंच के लगा सकते हो, तुहानू वीडियो दे विच करके दिखावांगे असीं इह। चंगी तरह अंदर कर लियो क्योंकि कई मेरे वीरां दा बाहर ही झाकदा हुंदा इह हिस्सा। तो हुण तुसीं की करना है सिलाई दी मदद नाल दोनों साइड्स तों ढिला मुठा कपड़ा अंदर कर देना है, पेच वाले पास्यों भी कलगी वाले लड़ वाले पास्यों भी, तो केसां नूं भी अंदर कर लियो। तो मेरी वीरो सारी दस्तार नूं वैसे तो तुसीं देख ही सक चुके हो, तो हुण तुसीं देख लियो जी। वैसे तुहानूं कोशिश करांगे हर हिस्से तों दस्तार दिखाउण दी, जां पहले फ्रंट तों भी देख लियो तुसीं, लैफ्ट साइड तों तुहानूं दिखदी पई है तो हुण बैक साइड तों तुसीं इस तरीके नाल देख सकते हो, देखो शीशे से भी दिखती वैसे भी ठीक है मेरे वीरो। बाकी वीडियो वधिया लगी तो तुम चैनल में सबसक्राइब जरूर करना है, तो बैल आइकन क्लिक कर दो, नवी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन च ने। हुण दिओ इजाजत, गुरु फतेह बुलाओ जी, वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।